गुड आइम्स दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश पेर और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रोडक्ट है अपनी ब्यूटी रेंस का प्रोडक्ट है और बहुत ही आवश्यक है उसको यूज करना। तो आज हम बात करेंगे IOC के एलो जो हमारी फेसियल किट आती है इसके बारे में जानकारी देंगे आपको कि अभी ये कंपनी में पहले भी आती थी फेसियल किट और लेकिन अभी कुछ न्यू फेसियल किट लॉन्च हुई है कंपनी की तरफ से, नई तरीके की पैकिंग है और जो हमारा अंदर जो ट्यूब थे उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है, तो इस सब बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली जरूरी बात है कि फेसियल किट का इस्तेमाल हमको क्यों करना चाहिए, क्यों हमारे लिए जरूरी है फेसियल करना। सामान्यतः एक कहने की बात है कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि फेसियल वगैरह महिलाओं की चीजें होती हैं, इनको महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पुरुष वर्ग बहुत ही कम ऐसा है जो फेसियल वगैरह इस फेस पे करवाता है। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी स्किन को अच्छे तरीके से बना के रखने के लिए। फेसियल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो हमारा फेस होता है वो एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है वहां पर, और इसके बावजूद भी सारा धूल प्रदूषण मिट्टी जितनी भी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा फेस को ही झेलनी पड़ती है क्योंकि बाकी जो हमारा पूरा शरीर है वो तो हम लोग ढक लेते हैं कपड़े से, लेकिन जो फेस होता है फेस हमारा अक्सर पूरा का पूरा खुला रहता है। बहुत सारे हानिकारक जो प्रदूषण की गंदगी है, टॉक्सिन्स है बहुत ज्यादा, वो स्किन के माध्यम से हमारे फेस पे जा रहा है, हमारे अंदर स्किन पे अब्सॉर्ब कर रहा है। यूवी रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो सारा का सारा फेस पे ही आ रही है। इसके बाद जो मौसम पे परिवर्तन हो रहे हैं, धूप हो रही है, मिट्टी उड़ रही है, वो सारी की सारी चीजें हमारे फेस को ही झेलनी पड़ती है और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है और उम्र के पहले चेहरे में झुर्रियां आ जाना, ऐसा लगता है कि उम्र बहुत ज्यादा लगने लगती है, इस तरह की समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं और दिखना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्किन होती है वो रूखी हो जाती है और रिंकल्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डलनेस फेस में आ जाती है। इन सारी चीजों को बचने के लिए, ये सारी चीजें ना हो इसके लिए फेसियल का प्रयोग रेगुलर करना चाहिए। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए और IMC के फेसियल किट जो अपनी हर्बल फेसियल किट है, यानी कि इसमें जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं सारे के सारे हर्बल और ऑर्गेनिक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बात ये हो गई कि फेसियल हमको क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी स्किन को सही से रखना है, उसकी जो जो हमारी डलनेस आ रही है, जो रिंकल्स वगैरह है, उसे चीजों से हमको बचना है, वो नहीं होने देना। तो फेसियल किट की हम बात करेंगे, जो हमारी IMC की फेसियल किट हर्बल फेसियल किट है, इसके अंदर देखते हैं किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। तो ये इस पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप के ट्यूब्स दिए हैं और हर एक ट्यूब पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। इस पे देख पा रहे होंगे कैमरे पे कि इसमें फर्स्ट स्टेप इस तरीके से लिखा हुआ है कि स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, इस तरीके से इनका प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों कहना कि आप बहुत सारे लोग जो फेसियल किट है इसको ले जाते हैं और स्टेप के अनुसार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक सही तरीका प्रॉपर वे नहीं पता है कि किस तरीके से फेसियल हमें करना चाहिए तो वो सही तरीके से नहीं हो पाता। अगर सच बात की जाए तो इसके लिए जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो जिन लोगों को स्किन के बारे में जानकारी होती है, अगर वो करते हैं तो बहुत ही बेहतर रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप इसमें इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दिया है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऐसे इसको कर सकते हैं, अपने फेशियल को कर सकते हैं और अपनी स्किन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमको कि हमें अपनी स्किन टाइप के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी स्किन टाइप कैसी है। तो थोड़ा सा स्किन टाइप के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके की स्किन टाइप में कैसे हमको फेशियल करना है। तो दोस्तों जो हमारी स्किन होती है, स्किन जो है फेस पे, वो चार तरह की होती है। पहली चीज एक नॉर्मल स्किन होती है जो सामान्यतः बहुत ही कम लोगों की होती है, इस तरह की स्किन नॉर्मल स्किन की, ना ज्यादा ड्राई होगी ना ऑयली होगी, बहुत ही सामान्य होगी। सेकेंड होती है जो होती ड्राई स्किन होती है, यानी कि पूरा का पूरा फेस ड्राई रहता है उसमें। और थर्ड होती है वो ऑयली स्किन होती है, और एक जो चौथी स्किन होती है वो होती है कॉम्बिनेशन वाली स्किन। तो जो कॉम्बिनेशन वाली स्किन होती है सामान्यतः बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों की पाई जाती है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारी जो स्किन है वो किस तरह की स्किन है, तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। वैसे तो बहुत ज्यादा इसके बारे में डीपली अगर बताया जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक टी जोन और सी जोन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। टी जोन का मतलब होता है कि जो हमारा ये ऊपर का फोरहेड का हिस्सा और नोज का हिस्सा होता है, और जो हमारा सी जोन है यानी हमारे जो चीक्स होते हैं ये सी जोन पे आते हैं। तो इसके माध्यम से हम कैसे समझेंगे, यानी कि अगर आपका जो टी जोन है, अगर टी जोन ऑयली है और आपका जो सी जोन है वो ऑयली नहीं है, वो ड्राई है, वो इतना ऐसा ड्राई है, तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आपकी जो है ना कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइंड वाली हमारी स्किन है।
और अगर हम बात करें कि यहाँ पर कि दोनों तरह की जो स्किन है वो ऑयली है, ऊपर भी है ऑयली, यहाँ भी ऑयली, तब तो आपकी स्किन जो है ना वो ऑयली है। और जो ड्राई स्किन होती है उसमें पूरा का पूरा फेस आपका ड्राई होता है तो वो ड्राई स्किन होती है, और जो नॉर्मल स्किन होती है वो सामान्य होती है, बिल्कुल ना ही ज्यादा ऑयली लगेगी और ना ही ड्राई लगेगी। तो इस तरह की स्किन जो होती है, चार तरह की स्किन होती है। और अब हमको किस तरीके से क्या इस्तेमाल करना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो फर्स्ट स्टेप दिया है यहाँ पे एलो क्लिंजर, एलो क्लिंजर के बारे में दिया है। तो एलो क्लिंजर का प्रयोग हमारे फेस की क्लिंजिंग के लिए किया जाता है, तो इसको क्लिंजिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 से 2 मिनट का समय अगर हम देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि क्लिंजिंग करते समय जो ऑयली स्किन होती है वहां पर बहुत ज्यादा देर तक इस्तेमाल इसको ना करें। और इसके बाद जो क्लिंजिंग का प्रोसेस होता है, क्लिंजिंग करने के बाद इसको कॉटन से या किसी जो हमारे पास वाइप्स होते हैं उसके माध्यम से हमको इसको पोंछ देना चाहिए। और इसमें जो सेकंड स्टेप यहाँ पे दिया है फेस स्क्रब, सेकंड स्टेप के बारे में दिखाया आपको, जो फेस स्क्रब दिया हुआ है, फेस स्क्रब करना है। अब स्क्रब करने का क्या है कि स्क्रब आपको फेस पे, इसमें छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं जिससे हमारे जो अंदर की गंदगी होती है, जो हमारे पोर्स होते हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, उन ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए स्क्रब का प्रयोग किया जाता है। अंदर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने के लिए स्क्रब का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रब के प्रयोग करने की सबसे बड़ी सावधानी की बात है कि जिन लोगों के स्किन पे बहुत ज्यादा मुहासे होते हैं या दाने होते हैं या कुछ गड्ढे जैसे हैं तो उन लोगों को स्क्रब करने से बचना चाहिए, उन लोगों को स्क्रब वाला स्टेप जो है ना आगे बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। और उस स्क्रब को, स्क्रब के प्रोसेस को नहीं करना चाहिए। अगर आपके हल्के फुल्के दाने हैं तो आप इस तरीके से, अगर मुहासे हैं तो आप हल्के हाथों से थोड़ी देर करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इसको नहीं देंगे। सामान्यतया 3 से 4 मिनट का टाइम स्क्रब के साथ देना चाहिए, और स्क्रब का को पानी के साथ ही करना चाहिए, ठीक। और बहुत सारे लोग होते हैं गुलाब जल के साथ करते हैं, तो गुलाब जल का जो काम होता है वो हमारी पोर्स को मिनिमाइज करना होता है जो हमारी यहाँ पे, लेकिन हमें पोर्स को खोलना होता है, वहां से अंदर गंदगी टॉक्सिन्स को निकालना होता है। अगला इसमें जो 4 स्टेप और 5th स्टेप दिया हुआ है, एक मसाज क्रीम है और इसके बाद एक स्किन जेल है। अब इनके प्रयोग में बहुत बड़ी सावधानी आपको रखनी है कि हर एक व्यक्ति को मसाज क्रीम का प्रयोग नहीं करना और हर व्यक्ति को स्किन जेल का प्रयोग नहीं करना। तो किन किन लोगों को मसाज क्रीम का प्रयोग करना है और किन किन लोगों को स्किन जेल का प्रयोग करना है, सामान्यतः इनका प्रयोग 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट आप कर सकते हैं। जो हमारी मसाज क्रीम है, मसाज क्रीम का प्रयोग जिनकी स्किन ड्राई है और नॉर्मल है उन लोगों को मसाज क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा, आपके जो टॉक्सिन्स निकलेंगे, गंदगी निकलेगी और चेहरे में ग्लो निकल के आएगा। अगर आप इसके साथ जो ट्रू हेल्थ कैप्सूल होता है अपना, अगर आधा ट्रू हेल्थ कैप्सूल मिला करके मसाज करते हैं, फुल टाइम पे नहीं है, 10 से 15 मिनट अगर आप मसाज कर रहे हैं तो 5 मिनट जो लास्ट वाले आप कर रहे हैं तो उसमें आप ट्रू हेल्थ कैप्सूल मिला के कर सकते हैं। उसमें तुरंत चेहरा आपका काला काला सा दिखने लगेगा तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो बाद में बहुत अच्छा ग्लो करके आएगा जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। और जो ये हमारा स्किन जेल है, स्किन जेल का प्रयोग आपको ऑयली स्किन पे या कॉम्बिनेशन वाले स्किन पे स्किन जेल का प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिनकी स्किन ऑयली हो उन लोगों को ट्रू हेल्थ कैप्सूल को मिला करके इसका प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है जो है वो फेस पैक है, इसका स्टेप आता है। तो फेस पैक लगाने के लिए सामान्यतः अगर हम अपने हाथों से ही अगर उंगलियों का प्रयोग करके लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे तरीके से पूरे फेस पे। इसको लगाने का क्या होता है कि इसको लगाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकते हैं क्योंकि गाढ़ा होता है, तो गुलाब जल लगाकर अपने पूरे फेस में लगा लेंगे। इसको सूखने देंगे 10 से 15 मिनट तक, और सूखने के बाद ही इसको निकालना है, इसके पहले इसको निकालना नहीं होता है। और जो हमारा गुलाब जल होता है उसका भी काम होता है कि जो हमारे पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, उसका भी काम होता है कि जो हमारे पोर्स ओपन हो चुके हैं उनको मिनिमाइज करना, उनको सही तरीके से बनाना। तो ये फेस पैक होता है, फेस पैक को जब आपका सूख जाए तो इसके बाद इसको गुलाब जल या वाइप्स का प्रयोग करके इसको पोंछ करके निकालेंगे, लास्ट में गुलाब जल को लेकर के इसको पूरे फेस से पोंछ देंगे। और इसको ऐसा नहीं है कि आप जाकर के इसको गर्म पानी से या ठंडे पानी से ऐसा धुल दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो फेस पैक है, फेस पैक को हटाने के लिए हमें वाइप्स का या गुलाब जल को कॉटन पे लेकर के उसका प्रयोग करना चाहिए, उसके माध्यम से हमको इसको हटाना चाहिए। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो चुकी होगी। इसके बाद इसमें एक लास्ट एक क्रीम दी गई है, स्किन निखार क्रीम।
इसके निखार क्रीम का काम होता है कि जो आपका पूरी स्किन इस तरीके से साफ हो चुकी है अच्छी तरीके से और अच्छे से ग्लो आ चुका है, तो इसको मेंटेन करने के लिए होती है स्किन निखार। तो बाद में थोड़ी सी लेकर के स्किन निखार क्रीम पूरे फेस में लगा लेनी होती है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जब आप फेशियल पूरा प्रोसेस करें तो उसके 2 से 3 घंटे तक आपको इसको धुलना नहीं होता, और जब धुलेंगे तो 2 से 3 घंटे बाद इसको नॉर्मल पानी से धुलेंगे। किसी तरीके का 24 घंटे तक किसी तरीके के फेस वॉश या अन्य किसी चीज का इस्तेमाल फेस पे नहीं करना होता है इस प्रक्रिया के बाद। फेशियल की जो टाइम होता है कम से कम 1 महीने पे एक बार तो करना ही होता है, और एक बात मैंने पहले भी बताई थी, अगर एक्सपर्ट इसके जानने वाले लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और आपका जो फेशियल है बहुत सही तरीके से हो पाएगा। तो इस शानदार प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप अभी तक नहीं जानते कि ये प्रोडक्ट आईएमसी के बेहतरीन हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, तो सर स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करिए, जानिए कि आईएमसी के शानदार हर्बल प्रोडक्ट आपको किस तरीके से प्राप्त हो सकते हैं, किस तरीके से इनको आप डिस्काउंट रेट पे भी ले सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको उस नंबर के माध्यम से मिल जाएगी। अभी भी अगर आप हमारे चैनल पे आकर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए नीचे वहां पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन होगी उसको ऐड कर लीजिए, जिससे हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स पर जरूर डालेगा, दोस्तों को अपना वीडियो फॉरवर्ड करें जिससे उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। थोड़ा इनसी बी हेल्दी बी हेल्दी।